हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। आज मैं आपको हिंदी व्याकरण की बाड़ी पुस्तक पढ़ाने जा रही हूँ, ठीक है? आज मैं आपको पाठ चार पढ़ाऊंगी। पाठ का नाम है वाक्य। पाठ का नाम वाक्य इसलिए है क्योंकि इस पाठ में हम पढ़ेंगे वाक्य किसे कहते हैं, वाक्य कैसे बनते हैं और वाक्य का प्रयोग हम कैसे करें, ठीक है? शुरू करते हैं बच्चों। प्रतिदिन आप कुछ न कुछ वाक्य बोलते हैं, ठीक है? आप जो भी वाक्य बोलते हैं, देखिए यहाँ पे एक चित्र बना हुआ है जिसमें शिक्षिका पढ़ा रही है, बच्चे हैं, ठीक है? ऐसे ही आप अपनी क्लासेस में भी करते हैं। आप बोलते हैं कुछ कुछ, आपकी शिक्षिका बोलती हैं। वाक्यों से हम किसी को भी अपनी बात सही प्रकार से बता या समझा सकते हैं। शब्दों की तरह प्रत्येक वाक्य का भी एक अर्थ होता है। बच्चों, आपको कुछ भी किसी को बताना है, समझाना है, तो आप कैसे समझाएंगे? बोलेंगे, और बोलने के लिए क्या करेंगे आप? कोई न कोई वाक्य का प्रयोग करेंगे, ठीक है? जैसे देखिए यहाँ पे कुछ वाक्य दिए हुए हैं, दो चित्र बने हुए हैं, इन चित्रों को वाक्य के द्वारा समझाया जा रहा है। देखिए पहला चित्र है, इसमें वाक्य क्या है? यह कार पापा ने कल खरीदी है, एक बच्ची दूसरे बच्ची से कह रही है। अगर वो वाक्य का प्रयोग नहीं करती तो वो बता नहीं पाती कि वो क्या कहना चाहती है, ठीक है? दूसरा चित्र देखिए आप, एक औरत है, उसके साथ एक बच्चा है, ठीक है? वो कह रही है पक्षी दाना चुग रहे हैं। बच्चों, पक्षियों को देखकर, दाना चुगते हुए देखकर जब बताना है तो उसके लिए इसने वाक्य का प्रयोग किया है, ठीक है? जैसे सही वर्णों को जोड़कर शब्द बनाए जाते हैं, उसी प्रकार सही शब्दों को जोड़कर वाक्य बनते हैं, ठीक है बच्चों? आपको पिछले पाठ में मैंने पढ़ाया कि सही वर्णों को जोड़कर हम शब्द बनाते हैं, ठीक है? तो अब हम वाक्य पढ़ रहे हैं, तो वाक्यों को बनाने के लिए सही शब्दों को जोड़कर वाक्य बनाते हैं, ठीक है? वाक्य लिखने के लिए शब्दों को सही क्रम में रखना जरूरी होता है, तभी उस वाक्य का कोई अर्थ होगा। अगर शब्द आगे पीछे हो जाएंगे तो वाक्य का अर्थ समझना कठिन हो जाएगा। बच्चों, किसी को अगर कुछ भी बताना है तो आपको शब्दों को एक सही क्रम में लगाना पड़ता है। अगर आपके शब्द इधर उधर होंगे तो आपका वाक्य गलत हो जाएगा। देखिए जैसे यहाँ पे दो चित्र बने हुए हैं, पहला चित्र देखिए, एक हिरन है और वो पानी पी रहा है, ठीक है? इसके लिए वाक्य है नदी हिरन ने पी पानी रहा है। क्या ये सही वाक्य है? आपको समझ में आ रहा है कि इस वाक्य के द्वारा आपको क्या समझाया जा रहा है? नहीं समझ में आ रहा है? दूसरा चित्र देखिए, एक लड़की है, ठीक है? उसके लिए वाक्य क्या है? नृत्य कर लड़की रही है। क्या आपको कुछ समझ में आया? नहीं आया ना? क्यों नहीं आया? क्योंकि इन दोनों वाक्यों में शब्दों को इधर उधर रखा गया है, ये शब्दों का सही क्रम नहीं है। ऊपर दिए गए वाक्यों में शब्द आगे पीछे हो गए हैं, इसलिए वाक्यों का अर्थ समझना कठिन हो गया है। यदि इन शब्दों को सही क्रम में लगाया जाए तो वाक्य बनेंगे। प्रिय बच्चों, देखिए अब जो आपने चित्र देखे उनके लिए जिस वाक्य का प्रयोग किया गया वो आपने देखा। अब उस वाक्य का सही क्रम देखिए क्या है। पहला देखिए, हिरन नदी में पानी पी रहा है। अब ये वाक्य पढ़कर कि हिरन नदी में पानी पी रहा है, आपको समझ में आ गया कि चित्र में क्या दिखाया गया है, क्या बताया जा रहा है चित्र के द्वारा, ठीक है? अब दूसरा वाक्य देखिए, लड़की नृत्य कर रही है। इस वाक्य के द्वारा आपको दूसरा चित्र भी समझ में आ रहा है कि उसमें क्या कहा जा रहा है, लड़की नृत्य कर रही है, आपको आसानी से समझ में आ गया, ठीक है?
बच्चों अब हम कुछ अभ्यास कार्य देखेंगे, ठीक है। इसमें चित्र दो चित्र हैं, इन चित्रों को देख करके वाक्य को पढ़ेंगे हम और सही वाक्य पे सही का और गलत वाक्य पे गलत का चिन्ह लगाएंगे। पहला चित्र देखिए, एक घर है, घर के सामने एक बच्चा है। इसके लिए वाक्य हैं दो वाक्य हैं, घर राजीव का वह है। क्या यह सही वाक्य है? नहीं, या गलत वाक्य है? उसका सही वाक्य क्या है? वह घर राजीव का है, ठीक है, तो ये सही है। दूसरा चित्र देखिए, एक चिड़िया का घोंसला है। इसके लिए वाक्य क्या है? पहला वाक्य देखिए, पेड़ पर चिड़िया का घोंसला है। ये सही है या गलत? हाँ, ये सही वाक्य है। दूसरा वाक्य है, चिड़िया पर पेड़ का घोंसला है। क्या चिड़िया पर पेड़ का घोंसला होता है? नहीं, या गलत वाक्य है, ठीक है। अब देखिए एक और अभ्यास कार्य हम पढ़ेंगे। नीचे दिए गए चित्रों को देखिए और अधूरे वाक्यों को पूरा कीजिए। बच्चों पहला चित्र देखिए, कुछ तारे हैं, ठीक है, जो चमक रहे हैं। तो हमें इस वाक्य को पूरा करना है, आसमान में। अब चित्र क्या दिख रहा है? तारे चमक रहे हैं, ठीक है, तो हम इसे पूरा करेंगे, तारे चमक रहे हैं। हमारा वाक्य क्या बन गया? आसमान में तारे चमक रहे हैं, ठीक है। दूसरा चित्र देखिए, पेड़ पर फल हैं, ओके। तो इसमें आधा वाक्य है पेड़ पर, और हमें इसे पूरा करना है, तो क्या हम भरेंगे? फल लगे हैं। हमारा वाक्य बन गया, पेड़ पर फल लगे हैं। तीसरा चित्र देखिए, दो बच्चे बारिश में भीग रहे हैं, और इसका आधा वाक्य है बच्चे बारिश, ठीक है। इसे हम पूरा करेंगे चित्र देखकर, में भीग रहे हैं, बच्चे बारिश में भीग रहे हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है आपको। अब देखिए चौथा चित्र है, एक मोर है, ठीक है, वो नाच रहा है। इसका आधा वाक्य है मोर जंगल। इसे हम पूरा करेंगे चित्र देखकर, मैं नाच रहा है। पूरा वाक्य हो गया, मोर जंगल में नाच रहा है, ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है। अब हमारा आखिरी अभ्यास कार्य, नीचे दिए गए वाक्यों में शब्द आगे पीछे हो गए हैं, इन्हें सही क्रम में लगाकर वाक्यों को पूरा लिखिए, ठीक है। वाक्य है, सुंदर फूल बगीचे में हैं। क्या ये सही वाक्य है? नहीं, ये गलत वाक्य है। इसका सही वाक्य क्या है? बगीचे में सुंदर फूल हैं, ठीक है बच्चों। दूसरा वाक्य है, पिताजी चलाते कार हैं। क्या ये सही है? नहीं, ये गलत वाक्य है। सही वाक्य क्या है? पिताजी कार चलाते हैं, ठीक है बच्चों। अब आप इस पाठ को ध्यान से पढ़िएगा, बार बार पढ़िएगा और अच्छे से समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है। धन्यवाद।